सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम शूट पे आए हुए थे बोकारो थर्मल, ये नितेश जी का क्वार्टर है, तो हम दो दिनों से यहीं रुके हुए हैं। तो निभा दी है हमारी जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनको मुझ पर एक मेकअप ट्राई करना है। तो बहुत दिनों से वीडियो और आया भी नहीं था, तो इसी बहाने मेरा एक ब्लॉग भी बन जाएगा और थोड़ा सा मेकअप शेकअप भी हो जाएगा। तो अभी मेरा हुलिया देख सकते हैं आप लोग, हम अभी सो के उठे हैं, जाते हैं जल्दी से नहा के फ्रेश हो जाते हैं, नहीं तो वो भी कहेंगे कि कैसे आती है तब मिलते हैं। तो दीदी आ गई है और यहाँ लाइट का सेटअप लगा रहे हैं, सेकंड हैंड आदमी। प्राइमर था? नहीं, प्राइमर नहीं था, ये था टोनर। मैं थ्रेडिंग नहीं किया हुआ था, तो दीदी अभी मेरा थ्रेडिंग कर दिया। ये दुसारा में ये रोने लगी है, कैसी लग रही है बताइए आप लोग। अरे क्यों रो रही है तुम? रोना नहीं है, बहुत अच्छा फेस आ रहा तुम्हारा, रोना नहीं है, ये बहुत अच्छा। कौन सा क्रीम है? क्रीम का नाम बताइए थोड़ा। इसमें तो पूरा मॉइस्चराइजर है, क्या बात है। मॉइस्चराइजर से कौन भीड़ लगने वाला है यही। बिस्किट खाते हुए काम हो रहा है यहाँ पे, देखिए मैडम माया भूखी हुई है, क्या करना चाह रही है देख लीजिए। पूरा बेचैन है मेकअप करवाने के लिए, बहुत दिन से सोच रही है। शादी तो अभी कर नहीं सकते हैं, इसीलिए बस तैयारी हो गया। देखिए लड़की को ध्यान दीजिए, लड़का कोई होगा तो आप फोन कर सकते हैं, सब कीजिए। गर्दनिया नहीं दाबिएगा नहीं तो इसका माँ फोन कर देगा तुरंत, हमारी बेटी कहाँ गए। लंबा सूट है लंबर कौन सूट होता है यार, अभी तुरंत कोर्ट में बात होता है कि तुरंत एक साल के बन के थे। अभी सीटीएम कंप्लीट हो चुका है, अभी पहले ये आई मेकअप करेंगे मेरा, उसके बाद फिर आई मेकअप प्रोसेस। तो इधर आई मेकअप हो चुका है और लगभग अभी आधे घंटे पहले शूट स्टार्ट कह रहे हैं, मेकअप स्टार्ट हुआ था 12 बजे से, अभी 12:30 बज रहे, तो देखते पूरा कितने देर में होता है। हालांकि हमको तो ऐसे ही आई मेकअप बढ़िया लग रहा है। देखिए मॉडल तैयार हो गई है, बेस अभी तरह मुंह नहीं लग रहा, तुम हनुमान जैसा लग रही है अभी तरह मुंह लाल है। सब्र कीजिए, अभी पूरा हो जाएगा उसके बाद देखिए। बोलो बोलो बोलो, कस कस के बोलो। सब्र कीजिए, सब्र, धैर्य, पेशेंस। एक चीज़ दीदी का मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो बेस इन्होंने लगाया है वो मेरे फेस पे बिल्कुल प्रॉपरली सेट हो गया था, मतलब ओवर मेकअप नहीं लग रहा था, एकदम नेचुरल लुक आया था। ब्रेक टाइम है और यहाँ अकेले अकेले पास्ता खा रहे हैं, खजूर के डब्बे में पास्ता। मेकअप कंप्लीट हो चुका है, बस अभी आईलाइनर और लिपस्टिक लगाना बाकी है। यहाँ पे दीदी मेरे बालों को क्रिम्पिंग कर रही है, जबकि बाकी सभी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट इन्होंने बहुत कम टाइम में ही पूरा। तो अभी इधर मेरा फोटो शूट होने वाला है। फिर से एक्शन। तो अभी आधा फोटो शूट हो गया है, हम लोग अब जा रहे हैं ओवर ब्रिज के नीचे, वहाँ रील्स बनाएंगे। देख लो हम लोग बहुत दूर तक आ चुके हैं अब सीन लेने के लिए, बोकारो थर्मल, देखिए कैप्टी प्लांट, ये हमारा शूट जब चालू हो रहा है। देखिए भैया अंदर से शूट में है। अरे बैक कैमरा से दिखाइए ना। चल निकलना धीरे से, तुम बहुत ही मॉडल हो, तेज बन रहे हो, खाली अपने फोटो खिंचाल चाहो, हमने के तो देखे ना चाहो। ये लोकेशन हमारे क्वार्टर से जस्ट सामने ही था, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था, 6:30 बज गया था लगभग, सूरज ढलने ही वाला था, फिर भी
जो फुटेज था इसका आउटपुट था वो काफ़ी बेहतर आया है। वो सभी आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, यहाँ तो नहीं डाल सकती बट कुछ दिनों बाद सारी अपडेट्स मैं अपने इंस्टा पे दे दूँगी। सो शूट तो हम लोग कर लिए फ़ोटो शूट और टाइम काफ़ी लेट हो गया था उनका, उनको घर भी जाना था तो अभी चेंज वेंज करके आए हैं हम लोग। चाइना मार्केट जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि रात को खाना बनने नहीं वाला है, सभी थक गए हैं। चांदनी मार्केट हमको यहाँ के बारे में पता नहीं है और इनसे मिलिए, इनका न्यू चैनल नीलेश महतो, नीलेश महतो ऑफिशियल चैनल का पूछ रहे हैं। हाँ, नीलेश महतो, नीलेश महतो ऑफिशियल है तो इनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कर दीजिएगा थोड़ा, लड़का बहुत मेहनत करता है। सो दीदी अपने घर चली गई है और रात भी काफ़ी हो गया है तो कमेंट करके बताना ज़रूर कि मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप लोगों को। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दीदी का इंस्टाग्राम आईडी दे देंगे तो जिन जिनको कांटेक्ट करना है उनको डीएम कर लें। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और कमेंट करके बताना ज़रूर कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाए। बाय बाय।